जय श्री कृष्णा। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों सावन सोमवार व्रत में क्या खाए क्या नहीं खाए, सावन में प्याज लहसुन खाए या नहीं, सावन व्रत में नमक खाए या नहीं, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी को दूरी क्यों बनानी चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, अर्थात ऐसी कौन सी वो गलतियां हैं जिसे सावन के महीने में व्रत के उपरांत हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और सावन की समाप्ति कब होगी, आइए जानते हैं सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। और हाँ, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो भोलेनाथ का नाम लेकर सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मित्रों सावन का महीना यानी ये महीना संसार में सभी मनुष्यों के लिए प्रेम की सौगात लेकर आता है, जिसका कि भोलेनाथ के भक्तों को बेबसी से इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना अधिक पवित्र एवं पावन होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों सावन का त्यौहार भारत में तो मनाया ही जाता है, लेकिन शायद आपको पता होगा कि सावन का महीना विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से एवं जोर शोर से मनाया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है और वातावरण हरा भरा एवं मनमोहक होने के साथ ही सुगम हो जाता है और नए नए वनस्पति के कारण सावन में हरियाली की उत्पत्ति होती है। सावन के महीने में हरियाली साक्षात भगवान भोलेनाथ जो देवों के देव महादेव है उनका स्वागत करती है और महादेव से बातें करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे शास्त्रानुसार सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं तो वो व्यक्ति या माता अथवा बहन भगवान भोलेनाथ का प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ अपनी शरण में ले लेते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, सावन में कांवड़ियों की यात्रा का क्या कहना। हमारे शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहली कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव को समर्पित अपने कंधे पर उठाई थी और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा की जाती है। लेकिन प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सावन में 10 ऐसे नियम है जो आपको जानना अति आवश्यक है। अगर इन नियमों का पालन आप अपने जीवन में नहीं करते तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और आप और आपके पूरे परिवार को गरीबी दरिद्रता और बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय मित्रों, आज का ये वीडियो आपको पूरा एवं अंत तक जरूर देखना चाहिए। यदि आप महादेव के भक्त हैं, तो क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। और हाँ, सच्चे दिल से अभी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखे, कहीं बाद में आप भूल ना जाए। दोस्तों सबसे पहले सावन सोमवार की तारीख के बारे में बात करते हैं। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई को होगा, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथा सोमवार का व्रत 31 जुलाई, पांचवा सोमवार 7 अगस्त को, छठा सोमवार व्रत 14 अगस्त को, सातवां सोमवार व्रत 21 अगस्त को और आठवां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पहली बात, हमेशा ध्यान रखें, यदि आप सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो आप सावन में हमेशा सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। ये निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें जिसमें अन्न ना हो आप खा सकते हैं। यदि आपने फल खाने का संकल्प लिया है
तो सफेद नमक भूलकर भी नहीं खाए, आप सिर्फ फल वगैरह ही खाए और कुछ नहीं खाना। दोस्तों, व्रत में बाहर का गन्ने का जूस कभी नहीं पीना, क्योंकि उसमें नमक होता है। इसके अलावा बाहर का जूस भी नहीं पीना है, क्योंकि उनके मिक्सी या बर्तनों में भी नमक रहता है और वो नमक आपके मुंह में जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस पीना नहीं चाहिए, उसमें पाए जाने वाले कई प्रकार के केमिकल्स की वजह से आपका व्रत टूट सकता है। मित्रों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो खट्टा भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि माता संतोषी सावन महीने में जागृत अवस्था में होती है तो माता क्रोधित हो जाती है। इस दिन आप पानी पूरी, इमली, टमाटर की खट्टी चटनी यानी खटाई भूलकर भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो सकती है और एक बार यदि माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जीवन भर इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। माता रानी अत्यंत भोली है, लेकिन सावन के महीने में शुक्रवार के दिन यदि खट्टा खाते हैं उसे माता रानी के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। हाँ, आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर अवश्य खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय भी पी सकते हैं। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भगवान भोलेनाथ का भयंकर श्राप लग सकता है। यदि सावन के महीने में आपने मीठा व्रत रखा है तो आप व्रत के उपरांत खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं, लेकिन दही खट्टा नहीं होना चाहिए। यदि आप चाहे तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान अवश्य खा सकते हैं। आलू की सब्जी बिना नमक वाली कुट्टू के आटे की रोटी के साथ आप खा सकते हैं, परंतु आटे को ध्यान से देख लेना, क्योंकि पुराने कुट्टू के आटे में कीड़े लग जाते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, अन्न और बाकी सभी अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। वही व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक यानी सफ़ेद नमक का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। सावन में यदि आपका व्रत हो या ना हो, फिर भी किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए और वहीं पर पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां, साग सब्जियां भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। व्रत के उपरांत जहर के समान मानी जाती है, क्योंकि बारिश के कारण इसमें कोई भी जहरीला कीड़ा आ सकता है और जो भी व्यक्ति सावन में बैंगन की सब्जी खाता है ऐसा व्यक्ति घोर पाप का अधिकारी होता है। इसी कारण बहुत सारे लोग द्वादशी और चतुर्दशी को बैंगन का सेवन नहीं करते। दोस्तों, पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक राज है जो इस कथा के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सावन के महीने में ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। ये गलतियां व्यक्ति को पाप का भागीदार तो बनाती है, साथ ही ऐसा मनुष्य हमेशा के लिए नरक में भटक कर रह जाता है। सावन में सभी लोगों को सुबह जल्दी ही उठना चाहिए और यदि हो सके तो पहला सावन स्नान अवश्य करें। सावन के महीने में सभी परिवार वालों को सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है और वो स्नान नहीं कर सकता तो उस पर गंगा जल के छींटे अवश्य मार दे। दोस्तों, सावन में किसी भी गरीब का अपमान भूलकर भी ना करें। क्या पता उस दिन गरीब के रूप में स्वयं भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने अवश्य आते हैं। सावन में देर तक सुबह सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो जाती है, इसलिए पति के उठने से पहले ही सावन में हर स्त्री को
जल्द ही उठ जाना चाहिए और प्रेम पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सावन सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का, धन की देवी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर अवश्य रखें, क्योंकि सावन में हर व्यक्ति भगवान शिव की शरण में होता है। सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में कभी नहीं जाना चाहिए और ना ही व्रत के दिन काले वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन एवं प्याज का परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे और माचिस नहीं रखना चाहिए। सावन के महीने में किसी को भी गाली गलौच नहीं करना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, पत्नी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए और ना ही पति को अपशब्द बोलना चाहिए। और सावन के महीने में पति पत्नी को आपस में नहीं झगड़ना चाहिए, इससे भगवान शिव आपको श्राप दे सकते हैं। सावन में बाल और दाढ़ी वगैरह एवं नाखून नहीं काटने चाहिए, यह आपको सावन के पहले ही कर लेना चाहिए। यदि आपको ज़्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना करके समायासना करना चाहिए। सावन में शरीर पर तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए, अर्थात शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पार्वती को माता एवं भगवान शिव को पिता स्वरूप माना जाता है, इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माता पिता का आदर एवं सेवा करने से भगवान शिव एवं माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी चीज़ उपहार के रूप में किसी को भी मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से हमेशा के लिए चले जाएंगे। प्रिय मित्रों, क्या आपको पता है कि सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे? शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के पुष्प ने ब्रह्मा जी का साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान शिव ने केतकी के पुष्प को श्राप दिया था, इसलिए केतकी का पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता और नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना नहीं चाहिए। हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ एवं अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल ना चढ़ाए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे फूटे अक्षत अर्थात चावल कभी भी अर्पित नहीं करने चाहिए। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे एवं सूखे बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 ही होना चाहिए। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी के अनुरूप ही मिलेगा। भगवान शिव को चाहे तो आप 1 बूंद दूध ही अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दूध शुद्ध होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपका मन सबसे ज़्यादा पवित्र एवं शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से दूध चढ़ाना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि धार्मिक कर्म कांड में
पीतल के बर्तन का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह शादी आदि शुभ कार्यों में इसलिए ज्यादा पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। सोमवार को पीतल के कलश से ही दूध का अभिषेक शुभ माना जाता है। स्टील और प्लास्टिक के बने बर्तनों का उपयोग नहीं करने चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वो जल आपके पैरों को नहीं छूना चाहिए, यानी शिवलिंग से जो भी जल गिर रहा है उसके छींटे भी आपके पैरों पर नहीं गिरने चाहिए, क्योंकि अशुभ माना जाता है। और जो शिवलिंग से जल आता है उसे लांगना भी नहीं चाहिए, उसे जल हेरी के नाम से जाना जाता है। सावन में जल शुद्ध एवं अपने घर का होना चाहिए, मतलब मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इसलिए जल आपको अपने ही घर से लाना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। प्रिय मित्रों, ध्यान से सुनना, सावन में ये चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से नहीं रोक पाएगी। अगर आपने सावन में ये चीज खा ली तो आपको करोड़पति होने से देर नहीं लगेगी, लेकिन प्रेम पूर्वक एवं सच्चे दिल से ही खाना है। आइए आपको बता दें कि वो चीज क्या है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद के रूप में धतूरा जो होता है वो जरूर खाना चाहिए, इसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बस सिर्फ चखना चाहिए, यानी जुबान से छूना है। हो सकता है ज्यादा खाने से आप बीमार पड़ जाए, इसलिए सिर्फ जुबान से छू ले, आप देखना आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, दूसरा है बेल फल। बेल फल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और आपका साथ समस्त देवी देवता देंगे। हर संभव आपकी उन्नति एवं तरक्की करेंगे एवं आपको सफल बनाएंगे। ये दो चीजें आपने खा ली तो धनी होने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। प्रिय मित्रों, ये प्रसाद खाने से आपका दुश्मन भी थर थर कांपेगा और आपका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा, काल भी दूर भागेगा, क्योंकि काल के ही काल है भोलेनाथ, जिन्हें महाकाल के नाम से जाना जाता है। देवों के देव महादेव है जिनकी शरण में आप है। दोस्तों, वीडियो को भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबके साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।